पिछले कुछ अरसे के दौरान 14 अगस्त का वाकया सामने आ जाने के बाद पाकिस्तान का मीनारे पाकिस्तान तो वैसे ही बदनाम हो गया था। असल गेम तो सऊदी अरब के यौमे आजादी के ऊपर हुई थी और वहां पर कितना बुरा सलूक किया गया था औरतों के साथ, ये बात ना आप कभी सोच सकते हैं और ना वो इंसान कभी सोच सकता है कि जो ये कहता नजर आ रहा हो कि पाकिस्तान में तो मीनारे पाकिस्तान के ऊपर औरत के साथ बड़ा जुल्म हुआ था। क्योंकि सऊदी अरब की सड़कों के ऊपर औरतों के साथ जो जुल्म किया गया, वहां पर जिस तरह उनको तंग किया गया, वहां पर जिस तरह उनको छेड़ा गया, उनके जिस्मों को रोडों के ऊपर, उनके जिस्मों के जो नाजुक अजा थे उनको पकड़ा गया, उनके ऊपर उनको छेड़ा गया और इस तरह की ऐसी हरकतें की गई कि कोई भी मुसलमान कभी भी नहीं सोच सकता था कि इस्लाम का सबसे मजबूत किला समझे जाने वाले सऊदी अरब जैसे मुल्क के अंदर उसकी पाक सरजमीन के ऊपर इस तरह की हरकतें करने की इजाजत दी जाएगी। और मोहम्मद बिन सलमान का भी दरअसल यही मिशन है कि किसी ना किसी तरह सऊदी अरब का जो एक मजहबी रंग है वो खत्म करके इसको सियाहत के लिए पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बनाया जाए। और इसके लिए उसने वहां पर सिनेमा हॉल खोले हैं, इसके लिए उसने वहां पर जुआ खाने खोले हैं, शराब खाने खोल चुके हैं, वहां पर लोगों को आजादी दे दी गई है, औरतें खुलेआम सड़कों पर घूम सकती हैं। हालांकि इन सब चीजों पर माजी के अंदर पाबंदियां लगी हुई थी, मगर अब वो ये सब कर रहे हैं और इसके जो नतीजे हैं वो भी सामने आ रहे हैं और दुनिया पूरी देख रही है कि मुसलमानों का सबसे ज्यादा मुकद्दस समझा जाने वाला जो मुल्क है उसका जो यौमे आजादी होता है तो वहां के जो लड़के हैं, वहां के जो मर्द हैं, वो किस तरह अपनी शहवत और किस तरह अपनी घटिया ज़हनियत का मुजाहिरा करते हैं। पाकिस्तान बदनाम हुआ था, पाकिस्तान के अंदर 14 अगस्त को वाकई गलत हुआ था, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने कंडम किया था, पाकिस्तानी कौम ने कहा था कि ये गलत है, उस लड़की ने जिस तरह लोगों को इकट्ठा किया था अपने लिए वो भी गलत था और लोगों ने उसके साथ जो सलूक किया था वो भी गलत था। मगर सऊदी अरब की हुकूमत ने इस हवाले से आप देखेंगे कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो बड़े रिलैक्स हैं, वो बड़े मजे के एनवायरनमेंट में है, उनको कोई टेंशन नहीं है कि अगर इस तरह हो रहा है तो होता रहे, दूसरे ममालिक में भी ऐसा होता है, यूरोप में भी ऐसा होता है। तो ये जो चीज अब दुनिया भर में देखी जा रही है कि मुसलमानों के सबसे मुकद्दस शहर के अंदर अब ये हालात पैदा हो चुके हैं, तो फिर वो आस्ता आस्ता ये भी सोचना शुरू कर देंगे कि शायद ये मुसलमान भी हम जैसे ही हैं, इनके दीन इस्लाम के अंदर या इनकी जो इस्लामी तालीमात है उनके अंदर जो अच्छाई का ये नारा लगाते हैं वो नहीं है। क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि सऊदी अरब जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक हेडक्वार्टर माना जाता है, पाकिस्तान जिसको कहा जाता है कि ये कलमे की बुनियाद के ऊपर आजाद करवाया गया था, इन ममालिक के अंदर जब इनके यौमे आजादी आते हैं या इनकी खुशियों के दिन आते हैं या कोई त्यौहार आते हैं तो उनमें ये जो अपनी घटिया ज़हनियत और घटिया हरकतों का मुजाहिरा करते हैं, तो फिर तो अगर दुनिया ये सोचती है या पाकिस्तान जी जो इस्लाम लाने वाले या इस्लाम कबूल करने वाले लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि इस्लाम की तबलीग में आने वाले वक्त में तेज़ी आएगी, वो गलत सोचते हैं। मुसलमान जो ये सोचते हैं कि हम पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे वो गलत सोचते हैं, क्योंकि मुसलमानों के नौजवान जो लड़के हैं उनकी जो हालत है वो पूरी दुनिया देख रही है और उनकी इस हालत के होते हुए कभी भी दुनिया भर में जो इस्लाम का झंडा है वो नहीं लहराया जा सकता। सऊदी अरब के अंदर कलमे से जो उनके कलमे उनके झंडे पे कलमा लिखा हुआ है वो कलमा अपने जिस्म पे लपेट के लड़कियां फिर रही हैं, वहाँ पर लड़कियों ने तंग लिबास पहने हुए हैं, वहाँ पर लड़कियां आज़ादी से घूम रही हैं और ऐसी आज़ादी से पाकिस्तान में भी नहीं घूम सकती हैं। और ये सब चीज़ें आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में सऊदी अरब के अंदर कितने मसाइल पैदा करने का मौजब बनेगी। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।